बड़वानी में सब्जियों के भाव एक बार फिर गिरने से मंडियों में किसानों को खरीदार नहीं मिल रहे हैं। किसानों की लागत तक नहीं निकल पा रही है। किसान पशुओं को सब्जियां खिलाने पर मजबूर है। किसानों को जहां 2 से 3 रुपए ही भाव मिल रहा है। किसानों ने बताया कि फसलों में वायरस आने से अब सब्जियों के भाव जमीन पर आ गए हैं और आम आदमी को यही सब्जियां 20 रुपए में मिल रही है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। बड़वानी से अतुल कुमावत की रिपोर्ट। भिंडी की क्या स्थिति है अभी? भिंडी की स्थिति ये है कि बेभाव दिख रही है किसानों को, उनका मुआवजा नहीं मिल रहा है, उत्पादन जो उनको सही कीमत मिलना चाहिए वो नहीं मिल रही है। क्या कारण है? अधिक उत्पादन होने की वजह से भाव कम है। अभी आज का रेट है स्थिति? आज के रेट 4-5 रुपये किलो। किसानों को क्या भाव मिल रही है? ये किसानों का ही भाव चार किसानों का भाव है। खिर्चे में क्या भाव तक बिक रही है? खिर्चे में 20 रुपये किलो, 15 अभी दे रहे हैं। और भिंडी के भाव बिल्कुल जमीन पर है। गिलकी और भिंडी और अन्य सब्जियों के भाव इसलिए जमीन पर आ गए भाई साहब कि कुछ समय तक कोरोना काल में किसानों ने अपनी सब्जियां खूब सारी ढेर सारी फेंकी और उसके बाद कुछ समय तक लॉकडाउन के कारण अपन हमारे किसानों ने मतलब सब्जियां लगाने को मंजूर कि कब कभार लॉकडाउन लग जाता सब्जी और फेंकनी पड़ेगा, तो किसानों ने अपनी सब्जियां लगाई नहीं और उसके बाद में वायरस के कारण मिर्ची की फसल कई हजारों एकड़ में सब्जी की फसल खराब मिर्ची की। उसके बाद में किसानों अपने खेतों में गिलकी है, भिंडी है, करेला है, गोभी है, सारी फसल लगाई। अब अधिक उत्पादन होने के कारण ग्राहक नहीं मिल रहा और सब्जी अपने खेतों से निकाल के किसानों को फेंकनी पड़ रही है। मैं सरकार से मांग ये करना चाहूँगा कि सब्जियों की भी कीमत तय करे तो किसानों को आगे जाके सब्जियों में नुकसान ना हो। अभी क्या स्थिति, रेट क्या है गिलकी भिंडी की? गिलकी और भिंडी के भाई साहब कोई लेवल नहीं है, मंडियों बिक नहीं रही, वहाँ भी फेंकना पड़ रहा। हमारे किसान सजवानी के किसान ने भेजी थी तो 800 रुपये माइनस का बिल आया, किसान को अपने जेब से 800 रुपये भरना पड़ा। फसल तो गई, भाड़ा भी गया और सारी चीज़ें गई, उसके बाद 800 रुपये माइनस का बिल आया, वो घर से देना पड़ा भाड़े वाले को। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।